हरियाणा के टोहना से बहुचर्चित दुष्कर्म एवं अश्लील वीडियो कांड में फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के अन्य मामलों में 7-7 साल की एक और सजा सुनाई है। वहीं आईटी एक्ट के तहत 5 साल कैद की सजा भी सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। जुलाई 2018 में न्यायिक हिरासत में लिए गए जलेबी बाबा पर ये कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा कि ऐसे बाबाओं से बचने के लिए महिलाओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया। हालांकि जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जलेबी बाबा को 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रतिपक्ष के वकील विजय कृष्ण के अनुसार सजा सुनाए जाने के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा ने साधु का रूप धारण कर विश्वास तोड़ा है, लेकिन ऐसे बाबाओं से बचना महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। जी हाँ, देश में एक और जहां बड़े बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं, जिनको लोग श्रद्धा से उनके आगे अपना नतमस्तक करते हैं, दंडवत करते हैं, वहीं कई ढोंगी बाबाओं की भी कमी नहीं है। देश में ढोंगी बाबाओं से बचने की जरूरत है। ढोंगी बाबाओं को पहचानना भी इतना मुश्किल नहीं होता। हालांकि कुछ महिलाएं उनके झांसे में आकर फंस जाती हैं, और जिस कारण ऐसे बाबाओं के कारण आम सत सनातन धर्म के साधु संत की भी बदनामी होती है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पहले ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, ताकि किसी और महिला के साथ इस तरह का हादसा ना हो सके। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।